दोस्तों, आज हम ग्लोबल कॉर्पोरेट वर्ल्ड की सीरीज़ जितनी भी न्यूज़ है इसकी 21 अगस्त की डेली करंट अफेयर सीरीज़ में जो ये है, हम इसको शुरू करते हैं। चलिए हम डायरेक्टली इसको शुरू करते हैं। जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट खबर है वो पहली खबर, सऊदी अरेबिया के PIF यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड जो हैं, ये लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट $1 बिलियन ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं जियो के फाइबर एसेट्स में। तो आपको याद रखना होगा, जियो के फाइबर एसेट्स में ये प्रपोज डील है। इसमें आगे जो भी डेवलपमेंट्स होंगे, इसमें मैं एक फीचर कर रहा हूँ अभी, बिल्कुल करूँगा आज ही। तो इसमें जो SWF जो है, इसने ऑलरेडी $1.5 बिलियन जो हैं वो जियो के प्लेटफॉर्म्स में, वेरियस प्लेटफॉर्म्स में से ऑलरेडी पंप किया है। जिस तरीके से लॉकडाउन के अंदर हाई ब्रॉडबैंड यूसेज हुई है, तो ये काफ़ी बड़ी डील है। इस पर एक बड़ी फीचर्स मैं अभी तैयार कर देता हूँ। चलिए आगे देखते हैं हम। इसके बाद जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और बहुत चिंता वाली न्यूज़ है, वो ये है कि जो टिकटॉक जो है, इसने एक डील स्ट्राइक कर ली है ताकि इसको हर्जाना ना देना पड़े मिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्राइवेसी डैमेजेस को लेके। तो टिकटॉक के जो चाइनीज़ ओनर हैं, इसके लिटिगेशन, तो ये अमेरिका में ये केस चल रहा था। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या है कि लॉयर्स फॉर बायडांस एंड कंज्यूमर्स ने एक एग्रीमेंट की तरफ ये लोग रिजॉल्व करने के करीब पहुंच गए हैं, जिसमें इन्होंने जो टिकटॉक पे जो एलिगेशन है, ये शिकागो फेडरल कोर्ट में एक्चुअली ये कंप्लेंट फाइल हुई है। उसमें ये कहा गया है कि जो टिकटॉक का ऐप है, ये अनलॉफुली रिकॉर्ड करता था फेशियल स्कैन बच्चों के, चिल्ड्रन के, और एडल्ट्स की ये सीक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो यूजर्स को चाइना को देता था। तो इसको लेकर के इसमें काफ़ी विवाद है। तो लेकिन उन्होंने डील ऑलमोस्ट सेटल कर ली है। लेकिन अगर टिकटॉक इस तरीके से करते हैं तो बहुत चिंता की बात है। और इसमें कैलिफोर्निया को थोड़ा साइडलाइन कर लिया है, तो वो एक नया ट्विस्ट आएगा इसमें। जैसा भी होगा, हम उस पर बात करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि एंट फाइनेंशियल पोस्ट 1.3 बिलियन इन प्रॉफिट्स। अब ये एंट जो है, ये जैसे बिलियनियर जैक मा का एंट ग्रुप है, इन्होंने 9.2 बिलियन यौन जनरेट किया है, जिसको तकरीबन तकरीबन $1.3 बिलियन होता है प्रॉफिट का मार्च क्वार्टर के अंदर। पूरी दुनिया में कोविड है, लेकिन ये फाइनेंशियल जो है, इन्होंने 1.3 बिलियन कमा के दिखाया है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, ये ग्लिम्प्स कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा। और ये एक जो मेगा IPO को ये लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, तो इट्स एन इंक्रीज, जो ये इंक्रीज है इनका इसी पीरियड के अंदर पिछले साल से 560% है। तो आप देख सकते हैं 5.6 टाइम्स उसने इंक्रीज शो किया है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक तरीके का, लेकिन इस पर ज़्यादा उत्साहित नहीं हुआ जा रहा है। तो फर्म ने जो है 3 बिलियन यौन जो है अर्निंग्स इस बैकर को है, अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग जो है, जो ओरिजिनल इसकी पेरेंट फर्म है, उसको दिया है। 33% एंट के पास है। तो जो एंट का जो है, तो इसमें जो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, इसने कितना जनरेट किया, 1.3 बिलियन। तो कंपनी इज़ प्लानिंग टू कंडक्ट अ, जैसे मैंने अभी IPO की बात की, तो ये ड्यूल लिस्टिंग करना चाहते हैं हांगकांग में और शंघाई में। अगर ऐसा होता है रिसेंट में, तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट IPO होगा पिछले कुछ सालों में। इसके बाद एक अलीबाबा की स्टोरी है, जो अलीबाबा की जो ग्रोथ हुई है उसको सेलिब्रेट नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं मार्केट्स। लेकिन इन्होंने जो देखा है कि 34% इन्होंने जंप किया है, ऑपरेटिंग इनकम इनके 42% जंप हो गई है। मैं फिर से कहूँगा कि कोविड से पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन जिस तरीके से जैकमा का आंट ग्रुप और ये अलीबाबा ने इस तरह के रिकॉर्ड फिगर शो किए हैं, ये अपने आप में एक केस स्टडी, इस पे काफी रिसर्च होनी चाहिए किस तरीके से ये हुआ है। तो जो प्राइमरी ई कॉमर्स कंपनी है, सिंगल बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है, ग्रोथ कंट्रीब्यूटर कंट्रीब्यूशन किया है इसने ग्रोथ को जून के अंदर, जिसको इन्होंने कहा है कि अलीबाबा कॉल्स इट अ न्यू रिटेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटेड न्यूज है ये, एक एंड फाइनेंशियल की और एक अलीबाबा ग्रुप की। चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ वो ये है कि इसमें Airbnb जो फाइल है, ये कॉन्फिडेंशियली ने IPO के लिए फाइल किया है। तो इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज ये रखना चाहते हैं। तो शॉर्ट टर्म होम रेंटल कंपनी है ये, शॉर्ट टर्म होम रेंटल कंपनी है ये। इन्होंने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले इन्होंने ये कहा है कि जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स होंगे US रेगुलेटर्स को, तो ये वन ऑफ द 2020s का मार्केट US स्टॉक मार्केट्स में ये डेब्यू करने जा रहे हैं। तो आपको ये क्वेश्चन आएगा कि अभी कौन सी फर्म जो है वो डेब्यू करने जा रही है, तो Airbnb, और इसके बाद ये सैन फ्रांसिस्को बेस्ड है। और इसके बाद ये जुलाई में जो कस्टमर्स हैं, इसने करीब करीब 1 मिलियन नाइट्स जो है सिंगल डे में, जो कि एक तरीके का रिकॉर्ड है। तो ये आपको ये बस इसमें ये देखना है कि कौन सी कंपनी जो है वो US में स्टॉक मार्केट में डेबिट करेगी। तो आपको Airbnb करना है, और ये कहाँ बेस्ड है, ये सैन फ्रांसिस्को बेस्ड है। इसके अगले जो न्यूज़ है, ये दो ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आने लगे हैं आजकल हर कंपिटेटिव एग्जाम में। तो इंटरनेशनल एक्सप्लोरर जो है, ये ऑलमोस्ट अ थिंग ऑफ अ पास्ट हो जाएगी। इसमें जो वॉर, लेकिन ब्राउज़र की वॉर अभी तक इसमें भी ख़त्म नहीं हुई है। क्रोम के पास मार्केट शेयर है, उसका बड़ा भी है, लेकिन उसके जो डोमिनियंस है वो हमेशा रहेगी, ऐसा नहीं होने वाला। तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे, किस तरीके से मार्केट शेयर के लिए दोबारा से जलाई होगी। तो धीरे धीरे जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया था कि जो उनका जो
वो रिटायर कर देंगे इंटरनेशनल एक्सप्लोरर को, आईई को, तो लेकिन ये जो तब तक सपोर्ट करेगा अगस्त 2021 तक, उसके बाद इट विल बी हिस्ट्री। तो इसके बाद जो नेक्स्ट होगा, तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये भी कहा है कि जो इसका सक्सेसर है एमएस एज ब्राउज़र, तो ये जो कम्प्लीटली होगा ये गूगल के ओपन सोर्स क्रोमियम प्लेटफॉर्म को ये उसमें मूव कर जाएगा। तो इसमें बहुत दिलचस्प चीज़ें होने वाली हैं। ये पूछा जाएगा ये कब ये ब्राउज़र इसमें होगा, तो अगस्त 2021, और इसका जो सक्सेसर है एमएस एज ब्राउज़र, इसकी जो ये होगी ये कम्प्लीटली मूव कर जाएगा गूगल के ओपन सोर्स क्रोमियम प्लेटफॉर्म को लेके। तो नाइदर आई नॉर एज आर पॉपुलर एनीमोर, तो ये नहीं है इतने पॉपुलर, बेयरली 1.3% ऑफ वर्ल्ड सर्फर्स, यानी सिर्फ 1.3, 1.5% भी नहीं है देख। और ये इंक्लूड करता है डेस्कटॉप प्लस मोबाइल को, पर यूज इन जुलाई 2020। तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें कुछ चेंज होगा, लेकिन जिस तरीके से अभी क्रोम का रूल चल रहा है, लेकिन फ्यूचर इसमें बहुत दिलचस्प होने वाला है। और एमएस के एज के पास जो है सिर्फ अभी 2.2% मार्केट का शेयर है। चलिए उसको आगे देखते हैं। गूगल से रिलेटेड न्यूज़ है एक, इसमें जो गूगल की जो न्यूज़ है, इन्होंने रेस्टोर किया है जीमेल को और अदर सर्विसेज को जो प्रॉब्लम आ रही थी। 62% ने ये रिपोर्ट किया था कि इनको अटैचमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहे थे। तो टेक जायंट जो है गूगल, इन्होंने सारी सर्विसेज को रिस्टोर किया है। तो मैसिव आउटरीच हुई थी, और गूगल का जो है थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ भी चल रहा है। तो गूगल काफ़ी न्यूज़ है, यूरोप ने इस पर पेनल्टी भी लगाई थी। तो थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स हैं जो इंडिया में भी हैं, मलेशिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया अमंग अदर्स, इन्होंने रिपोर्ट किया था सर्विस को, लेकिन अब इसे बहरहाल दुरुस्त कर लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि जो यूएई के हैं, ये आपके पास F-35 जेट्स जो हैं इनको मिल जाएंगे, जो इसराइल के साथ इनकी पीस डील हुई है। अब इसराइल से इन्होंने लेना नहीं था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये डील को ब्रोकेज किया था एक तरीके से। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इनको मिलाया था, और इस जिसमें मैंने थोड़ी सी कंप्लीट फीचर की थी, मैंने अच्छे से समझाया था किस तरीके से इसराइल यूएई के डील से अमेरिका का रिलेशन है, इनसे जो अमेरिका के प्रेसिडेंसी के इलेक्शन के बाद जो भी आते हैं डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडन, इसके बाद इसराइल का क्या रिलेशन होगा। तो बेसिकली अब खबर ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं ये उम्मीद कर रहे हैं कि F-35 जो फाइटर जेट्स हैं ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को बेचेंगे। तो उसके बाद ये जिस तरीके की भी होगा, इन्होंने 19 तारीख को ये कहा है, लेकिन ये डील ऑलमोस्ट हो जाएगी आगे, लेकिन इसमें क्या डेवलपमेंट्स होंगे जब होगी तब हम उस पर बात करेंगे। तो जो सेल हो, जो ये सेल का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा वो इसराइल की मिडिल मिलिट्री एडवांटेज को थोड़ा सा हर्ट करेगा, लेकिन अब इसराइल और इसराइल के, मैं बताता चलूँगा आपको कि इसराइल के जो पहले जो रिलेशंस थे वो जॉर्डन और इजिप्ट के साथ थे, उसके बाद अब यूएई हुआ है, और सूडान के एक ऑफिशियल को फायर किया गया, जब सूडान ने कहा था हम इसराइल के साथ रिलेशनशिप्स को नॉर्मल करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही है मिडिल ईस्ट के अंदर काफ़ी। तो ये मैंने बहुत डिटेल से मैंने एक लेक्चर में इसमें रिसेंटली अभी किया है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो ये है कि यूएस एजेंसी जॉइंस इंडियन टीम, जो एयर इंडिया एक्सप्रेस एक्सीडेंट हुआ था 7 अगस्त को उसके केरला के अंदर, उसमें अपने यूएस एजेंसी ने इंडिया की टीम को ज्वाइन किया है। उसका नाम है NTSB, यानी यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड। ये काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट था, और इसमें जो था इसमें 18 लोग हुए थे, और इंक्लूड 2 पायलट्स वर केयर्ड। तो बोइंग जो 737 एयरक्राफ्ट है ये 2 पीसेज में टूट गया था। ये काफ़ी फ्रंट पेज न्यूज़ थी काफ़ी न्यूज़पेपर्स में। तो अब इसमें जो क्वेश्चन एग्जाम परस्पेक्टिव से वो ये है कि इसमें कौन सी एजेंसी ने ज्वाइन किया। तो काफ़ी सारी एजेंसीज लिस्ट कर दी जाएंगी, लेकिन आपको NTSB पे टिक करना है, विच मीन्स यूनाइटेड नेशन नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड। तो इसमें कई सारी हो सकते हैं एविएशन करके दे दें, तो वो ना करके आप ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड को ही टिक करेंगे। चलिए, और ये जो आ रहा था ये कहाँ से, इट वॉज रिटर्निंग फ्रॉम दुबई। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है लाइफ साइंसेज को लेके, ये आखिरी न्यूज़ होगी। तो लाइफ साइंसेज जो है ये नेक्स्ट लॉजिकल एरिया इंडिया के लिए होगा, ऐसा कहा है सीईओ और को फाउंडर ने, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन। तो ये मैं फिर से बता देता हूँ, ब्लैकस्टोन ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्राइवेट इक्विटी फर्म है। इसके जो सीईओ है और को फाउंडर हैं स्टीफन ए स्वार्जमैन, इन्होंने कि इनको गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया है। इन्होंने IIT बॉम्बे कन्वोकेशन में इन्होंने एड्रेस करना है 23 तारीख को, संडे को, उसमें जो ग्रेजुएटिंग क्लास ओवर जूम। तो जूम के ऊपर जो भी बात करेंगे ये उस पर करेंगे। और इनमें खास बात यह है एग्जाम परस्पेक्टिव से, इन्होंने ऑलरेडी $6 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट किए थे लास्ट ईयर, और ये न्यूयॉर्क में। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। तो इंडिया शुड रिज्यूम इट्स ग्रोथ इन 2021 एंड गेट स्ट्रॉन्गर in 2022। तो ये सारी न्यूज़ आपकी कवर कर जाएंगी। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप जिस तरीके से कॉर्पोरेट से क्वेश्चंस आने लगे और कंप्यूटर के टेक क्वेश्चंस आने लगे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, मैं अगला लेक्चर उसी पे बनाऊंगा। उसमें कुछ जैसे अभी मेक्सिको में हरिकेन आया चाइना डैम्स को लेके, तो उसमें एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।